बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास की 7.1 एक्सरसाइज आज से स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 हमने लिखा हुआ है। इसमें देखें, हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर बटे में 3, 2 और 6 हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2 और 6 का ये 3 वैसे आ जाएगा, एलसीएम आप लोगों को लेना आता है। अब 3 पे आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 3, 6। इसके एलसीएम का आंसर आ गया हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। मल्टीप्लाइंग विद 6, हर वैल्यू को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये एक वैल्यू है 2/3x, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। माइनस 1/2x, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। इसी तरह 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 1/6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। हर वैल्यू को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसी तरह यहां पर 2 1s are 2, 2 3s are 6। यहां पर देखें, 6 1s are 6। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 2s are 4x माइनस 3 1s are 3 और ये 7x, 3x इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास रह गया 6x प्लस 1 1s are 1। अब हमारे पास क्या बन गया, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को उठाकर एक साइड पे ले जाना है। यहां पर देखें 4x, इसमें से अगर हम 3x को माइनस कर दें, यहां पर रह जाएगा 1x। ये प्लस का 6x है, इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है प्लस की, एक वैल्यू आ गई है माइनस की। प्लस का 1x है, माइनस का 6x है। जब एक वैल्यू जो हो वो प्लस की और एक माइनस की हो, तो बड़ी रकम का साइन आ जाता है और वो होते माइनस है। अब इन दोनों में से बड़ी रकम है 6, उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए x का आंसर, तो जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी दूसरी साइड पे जाके, वो डिवाइड हो जाएगी। यहां पर रह जाएगा x इज इक्वल टू 1/, ये माइनस का 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम यहां पर माइनस का साइन डाल देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/5। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें भी हमने इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व करना है। इसमें भी जो नीचे वाली रकम है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो वो भी 6 ही आएगा। हम सिंपल इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर वैल्यू को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस 3/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। माइनस एक्स माइनस 2/2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। और इधर माइनस 1 है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसी तरह यहां पर 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब हमारे पास यहां पर रह गया 2 × x − 3, ये वाला 2 और ये वाला x − 3, माइनस यहां पर है x − 2 × ये वाला 3 इज इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और ये साथ माइनस का 6 आ गया। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, सेंटर में माइनस है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाएंगे ताकि ये माइनस का साइन जो है ये हमारे क्वेश्चन को गलत ना करे। अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे और इसको वैसे ही माइनस का साइन लिख देंगे, फिर बाद में आगे जाकर सवाल गलत होने का चांस होता है। यहां पर अब देखें 2x − 6, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर वाली सारी रकमों के साइन चेंज कर देता है। अगर कोई प्लस का होगा उसे माइनस का कर देगा, और अगर कोई माइनस का होगा उसे प्लस का कर देगा। जैसे यहां पर देखिए, ये प्लस का 3x था, ये माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस का 6 था तो ये प्लस का 6 बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 6। अब देखें, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गए आपस में। यहां पर रह गया 2x प्लस का माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 6।
अब एक रकम है प्लस की, एक रकम है माइनस की, तो बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, बड़ी रकम थी थ्री, उसके साथ था माइनस, माइनस का साइन आ गया, थ्री में से टू को माइनस किया वन, और एक्स के साथ एक्स ही आ गया इज इक्वल टू माइनस का सिक्स। ये दोनों साइड में माइनस है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें बाहर जो है वो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और इधर से यहां पर जो वैल्यू है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमने पहले स्टेप में क्या करना है, ये जो बाहर वाली वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले स्टेप में यहां पर देखिए 1/2 को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 1/3 को 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x ओवर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ओवर में 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, ये ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में हो जाएंगी, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो एक्स के नीचे 1 होगा, इसी तरह 3x के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे भी 1 होगा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, प्लस 2/3 वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 5/6, ये भी वैसे ही आ गया प्लस। अब यहां पर 1/3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/3 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 ओवर 3 2 6, 3 को 2 से जरब दें तो 6, माइनस 1 को 3x से जरब दी, 3x ओवर में 3 1 3। अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। अब देखिए 2 3 6 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे, आप लोग लेंगे एलसीएम, तो 12 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 के जो 2 है उसके टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, और 12 के टेबल में भी 12 आता है, तो इसका मतलब है 12 जो है वो हर एक के टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम का आंसर भी वही आएगा। अब हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर एक्स ओवर 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, माइनस 1/12 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, प्लस 2/3 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, 5/6 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस 3x/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 6 12, 12 1 12, 3 4 12, 6 2 12, 6 2 12, 3 4 12। अब देखें 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 इज इक्वल टू, यहां पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, और ये x। हमने क्या किया है, यहां पर 6 रह गया था 6, 6 को x से जरब दिया 6x, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, 1 को 1 से जरब दी 1, जमा 4 को 2 से जरब दी 8, बराबर 5 को 2 से जरब दी 10 आ गया, जमा 2 को 1 से जरब दी 2 आ गया, माइनस 4 3 12, और ये 7x आ गया, 12x आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x प्लस का 8 है, माइनस का 7 है, एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, 8 में से 1 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 7 इज इक्वल टू, यहां पर 2 में 10 में 2 को प्लस किया 12, माइनस ये 12x वैसे ही आ गया। अब x वाली रकम एक साइड पे कर लेंगे और x के बगैर वाली रकम एक साइड पे कर लेंगे, ये 6x, ये माइनस का 12x था इधर आएगा तो प्लस का 12x बन जाएगा इज इक्वल टू, 12 पहले इधर था, प्लस का 7 था उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, 6x में 12x को जमा किया 18x, 18x इज इक्वल टू 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। हमें चाहिए x का आंसर, x इधर ही रहेगा, 18 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर अगर जरब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो तकसीम हो जाएगा,
ये पांच पहले इधर था, 18 इधर आके तकसीम में आ जाएगा, तो 5/18 5/18 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर ही है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4/3 माइनस 6x। अब यहां पर क्या होगा, हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है हमको, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4/3, मतलब x वाले हमने इकट्ठे कर लिए हैं और ये वाला जो 4/3 था इसको अलग से लिख लिया। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, 2x प्लस का है और 6x माइनस का है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4x माइनस 4/3। अब यहां पर देखें बटे में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास दो हैं, एक ही वैल्यू मतलब दोनों जगह पे 3/3, इसका मतलब हमने सिंपल 3 के साथ हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 4x को भी मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, माइनस 4/3 को भी मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ये 3 से कट जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4 12, 3/4 12x, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहां पर भी 3 से कट जाएगा, यहां पर भी रह गया हमारे पास माइनस का 4। नेक्स्ट स्टेप में हम यही वाली वैल्यू हम दोबारा लिख लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 12x माइनस का 4। अब हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे और x के बगैर वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 3x, ये माइनस का 12x था, इधर आएगा प्लस का 12x बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर माइनस 4 पहले ही है, ये प्लस का 1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। 3x में 12x को जमा करेंगे 15x, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, जब दोनों वैल्यूज माइनस की हो तो माइनस का ही साइन आता है और वो हो प्लस जाती है, माइनस का साइन आया, 4 में 1 को प्लस किया 5। यहां पर देखें x, अब 15 जो है एडिशनल है x के साथ, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस 5/15। अब यहां पर देखें ये एक टेबल पर जा रहे हैं, 5 1 5 5 3 15, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा।